मम्मदिया मैदान का एक ये रोड है, क्रॉस रोड, जो शाही नाके से मम्मदिया मैदान को जोड़ता है, और कई हज़ार लोग रोज़ यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए ये रोड यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं जब जीत कर आई, जब मैंने देखा इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने दो बार इसका प्रपोज़ल डाला, लेकिन प्रपोज़ल हमेशा से फेल हो गया, मतलब पास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पाइप के बहुत सारे बंच थे। तो उसका फिर हम लोगों ने एक निवारण ये निकाला कि इसके अंदर 6 इंच की पाइपलाइन जाएगी, उसके बाद में लोगों के कनेक्शन उस 6 इंच की पाइपलाइन में जोड़ा जाएगा, ताकि बंच को खींच के हम लोगों ने निकाला, और उसके बाद में फिर ये रोड पास हुआ, और अब ये बहुत बेहतरीन तरीके का रोड बन गया है, जिसमें आप देखेंगे कि लोग और हम लोग मिलकर सब क्रिकेट खेल रहे हैं, जो रोड पे चल नहीं सकते थे बिल्कुल। और साथ ही साथ इसके ड्रेन था, तो ड्रेन हमने थोड़ा पहले बना दिया था, क्योंकि वो पास हो गया, लेकिन रोड नहीं पास हो चुका था, और अभी हमने अपने फंड से रोड पास करके लिया, और बहुत ही बेहतरीन वो रोड बन गया, लोग वहाँ के काफ़ी खुश हैं। चैलेंजेस तो आते हैं, क्योंकि अपोजिशन तो हर वार्ड में रहते हैं। जैसे कि जब हम लोग चेंज की पाइपलाइन डाले, तो बोले नहीं है, ये यहाँ ज्वाइन नहीं करना, ये यहाँ नहीं डालना, हमारा पाइप नहीं खींचना। लेकिन लोगों का थोड़ा सा कहीं थोड़ा प्यार से समझा के, कहीं गुस्से से, कैसे लोगों को लेके जैसे पॉसिबिलिटी हुई वैसे काम करते चले गए, रुके नहीं, डरे नहीं, और ये मैं समझती हूँ उस एरिया के लिए एक बेहतरीन काम है। झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथी सब धर्मों वर्गों, महिलाओं छात्र जवानों का। समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आपके सामने पूरे बहुत बड़े बड़े पाइप थे, पहले यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, जिसकी वजह से लोग कहीं से भी कनेक्शन कहीं भी ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन जब पाइपलाइन आ गई तो लोगों ने अपने अपने घरों में जब बोला, तो ये बंच ऑफ कनेक्शन रोड बनाने में सबसे बड़ा इशू यही रहता है। और जो अपना अडानी की जो लाइन होती है इसकी, अपना लाइट की, ये दो जो पाइपलाइन, इसकी कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ा काम यह है, और नहीं किसी के आसान नहीं था, मतलब बहुत सारे लोगों की गालियाँ खाने के बाद ये रोड बने। अच्छा अच्छा, और बाकी आप लोगों को टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आती, उनको लग रहा है रोड क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन वो रोड बनने में क्या दिक्कतें आ सकती है वो उन लोगों को नहीं आएगा। वो सारी तकलीफों को दूर करते हुए, सारे ऑफिसरों का कोऑर्डिनेशन कराते हुए काम करा के लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो रहा है। बहुत ही अच्छी पब्लिक है, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ की रहवासी न होते हुए भी उन्होंने मुझे अबू आसिम आजमी साहब के बोलने पे यहाँ पे चुना, और मैं समझती हूँ उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरते हुए मैंने दिल से, और इलेक्शन हो या नहीं हो, अगर लोगों ने इतनी उम्मीद से बाहर के कैंडिडेट को चुन के दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं अपना नाम खराब नहीं होने दूं, अबू आसिम आजमी साहब का नाम खराब नहीं होने दूं,
और लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं, ताकि लोग ये सोचना छोड़ दें कि लोग बाहर का है अंदर का काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है। सिर्फ इतना सोचना चाहिए। सौ झूठ से बोलकर काम करने वालों को घर बिठा देते हैं और झूठर लोग को नगर सेवक और MLA बना देते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच बदलने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए और गरीब लोगों का काम करें, जिसके वजह से वो वोट देते हैं। कभी डरती नहीं, जो सही काम करेंगे उसको डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा गार्डन बनाना है और वो पुलिस चौकी बनाना, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भूमाफिया और भूमाफिया बहुत सारे मेरे पास आए कि मैडम हम लोग जगह बेचते हैं, आपको भी पैसा देते हैं, हम भी लेते हैं, आप गार्डन बना के क्या करोगी तो। लेकिन नहीं, वो गार्डन बच्चों की अमानत है और हमारे एरिया के बच्चे मैं देखती हूँ, हमेशा देखा है बच्चे हैं यहाँ के छोटे छोटे, इनको यहाँ पर कहाँ गार्डन नसीब है। आज इधर एक गार्डन बन जाएगा तो वो खुल खेल के एक अच्छे एनवायरमेंट में सांस ले सकेंगे, अच्छी जगह खेलेंगे। और जो हमारे बच्चे कुछ यहाँ पर गलत इस पे उतर गए नशे के काम में, इसमें एक पुलिस स्टेशन रहेगा तो एक नियंत्रण रहेगा। तो ये दो बड़े काम थे जो मेरे वार्ड के लिए मैं ज्यादा जरूरी समझती थी, तो उस पर मैंने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज किया और वो काम चालू है। और आने वाले एक आध हफ्ते में आप देखेंगे रमजान के वजह से या कोरोना के वजह से उसका अपने ओपनिंग टल गई आज, मैं तो उसका मंडे के दिन उसकी बहुत बड़ी ओपनिंग थी कल, तो एक आध हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह मैं एक पुलिस स्टेशन का तो इनोग्रेशन कर दूंगी। और गार्डन बड़ा प्रोसीजर है, मेरे इलेक्शन से पहले पहले इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और 28 टॉयलेट मेरे वार्ड में है, 28 के 28 नए बन रहे हैं, जिसमें से 10 रेडी हो चुके हैं और 5 का इनोग्रेशन हो चुका है और बाकी टूट गए हैं और बहुत जल्दी काम स्पीड में हम लोग कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जो मूलभूत सुविधा लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो नाली हो, गटर हो, टॉयलेट हो, रोड हो, शौचालय हो, आधार केंद्र हो, पुलिस स्टेशन हो, गार्डन हो, ये सारी सुविधाएं मैं अपने वार्ड में जो पहले नहीं देती थी, आज वो सारी सुविधाएं मैं अपने वार्ड में है। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहती हूँ कि एक वार्ड में 3 गार्डन आज की तारीख में, ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसे इतना बड़ा भूमाफिया का रैकेट चलता है, ऐसी परिस्थिति में लोगों से लड़के 3 गार्डन बन चुके हैं, 2 अच्छे समाज कल्याण केंद्र जिसमें हमारी बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सीखेंगी, कंप्यूटर सीखेंगी, उनको अपने घर से दूर जाना नहीं पड़ेगा कुछ सीखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम करने के जो तरीके अलग अलग इस पे रहते हैं वेब्स पे, और हम लोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद है मुझे कि आने वाले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं मांगना पड़ेगा। अगर मेरा ऑफिस हमेशा खुला है, ठीक है, मैं कहीं अभी विजिट पे हूँ तो ऑफिस पे नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड, मैं समझती हूँ, बिला नागा 11 बजे ऑफिस पे आ जाते हैं और 2 बज जाए। आज हमारे पे जिम्मेदारी ज़्यादा है, ये हम लोग समझते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए। तो मतलब पूरी जिम्मेदारी से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।